हम निकल रहे हैं आज सुबह मसूरी से आगे के लिए। मसूरी से आगे जगह है काफ़ी अच्छी, तो वहाँ का प्लान है हमारा। काफ़ी अच्छा मौसम है अभी, बताइए ना, ऊपर ठंडी है काफ़ी। हम पैक वैक होके चल रहे हैं। देहरादून का वेदर भी इवन काफ़ी ठंडा हो गया है। पैसिफिक मॉल काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है आज राइड करते टाइम, एकदम पॉजिटिविटी भी है। सुबह सुबह राइड कर रहे हैं, इतनी सुबह नहीं है बट हाँ इसके अभी 10 बजे। जितना जितना ऊपर आ रहे हैं उतनी उतनी ठंड बढ़ती आ रही है, अभी से फील हो रहा है। और ये शायन भाई बाइक के फुल मज़े ले रहे हैं, यहाँ पर लीनिंग कर रहे हैं अपनी जिक्सर से थोड़ी थोड़ी। अभी वो थोड़ा नर्वस है क्योंकि पहली बार आया है इस रोड पे, एंड होना भी चाहिए पहाड़ों पे। अभी कहाँ चलना है, चंबा? चंबा चलना है, ठीक है चलो। चलिए तो तुम्हें हाथ में लेना पड़ता है क्या इसको निकाल के बाहर? ये गलत है यार, ठंड तो नहीं लग रही क्या? क्या कह रहे, मैंने कटवा दी, मुझे दे दी हो ना बाद में, मैं हिसाब कर रहा हूँ सारा, वो भी होगा बाद में कर लेंगे। यहाँ तो बहुत ठंड हो गई, हम मसूरी से आगे आ गए हैं अब चंबा उत्तरकाशी वाले रूट पे हैं अभी। एंड इस रूट पे आते ही हमें अलग ही जो है ठंड फील हो रही है, एंड रोड भी थोड़ी ऐसी ही है, एंड काफ़ी सुनसान भी रोड है, कोई है नहीं इस रोड पे। और यहाँ से ऑफ रोडिंग चालू, इट वॉज फन। बहुत ही ज़्यादा जो है साफ है आसमान यहाँ पे, एंड ब्यूटीफुल भी। दिलों में तुम अपनी बेताबी चला रहा हूँ मैं, शायद इसका चला रहा हूँ, ये भी काफ़ी लाइट बाइक है एंड काफ़ी इजी है इसको भी चलाना, बट थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा क्योंकि पहली बार चला रहा हूँ मैं भी। यार मेरी बाइक इतनी सही लगती है पीछे से, भाई देव मुझसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि यार ठंड बहुत ज़्यादा और हम काफ़ी ज़्यादा हाइट में हैं। अभी हम तो वापस आ रहे हैं, हम पहुंच गए हैं देहरादून, तीन रूट पर आए हैं अब हम, तो मैंने वो रूट दिखाया नहीं, अभी हम देहरादून में हैं, देहरादून से निकलेंगे।
जाएंगे हरिद्वार होते हुए। ये हरिद्वार हाईवे है बेसिकली, अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। पीछे आपने जो भी व्यू देखे थे अभी रास्ते के, ये सब हरिद्वार हाईवे है। अभी हम आ गए हैं राजीव जी नेशनल पार्क रिजर्व। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि टाइगर एंड एलिफेंट्स वो कभी कभी रोड पे आ जाते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है ड्राइविंग करें। आगे कुछ काम कर रहा है, ये रोड जो है बंद कर रखी है अभी यहाँ पे, और पीछे काफ़ी जाम है। क्या है शायन भाई, बढ़िया? कमर तो नहीं टूटी? मेरा जो है बैक पेन कर रहा है वही, इसको दिखाना पड़ेगा दिल्ली आके। ये रूट भी सही है, बट ये कि हाँ हाईवे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो टाइम लग रहा है यहाँ पे। अभी हम 49.1 किलोमीटर आ गए हैं, एवरेज स्पीड गई है हमारी 41 किलोमीटर 1 hour 10 minutes में। आराम आराम से आए हैं, तो वी ऑलमोस्ट रीच हरिद्वार। ये है यहाँ पे शिव जी की मूर्ति, और ये गंगा, वो आगे नहान भी हो रहा है इधर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्यूटीफुल, पानी कितना साफ है। अभी हम उन पहाड़ियों के जो दिखने रही होंगी शायद कैमरे में, उनके भी पीछे से, काफ़ी पीछे से आ रहे हैं। काफलानी, चंबा, चंबा से आगे फिर एक और जगह थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था सफ़र, काफ़ी मज़ा आया। और हमें इधर कहीं जाना है, गंगा का मज़ा, वाह भाई वाह, पानी देखिए आप। अच्छा, गर्मियों में थोड़ा गंदा हो जाता है ये, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा जो है ना आती है नहाती है, इस टाइप का सीन रहता है। ये नया वो बना हुआ है यहाँ पे ना, स्थल बनाया है नया, ये नहाने वाले का। चलिए अब मिलते हैं आगे कहीं, हम इस जा रहे हैं धामपुर वाले रूट से नजीबाबाद। हाँ हाँ, बड़े अच्छे आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा व्यू है। रोड ब्रेक आ गए यार, बार बार ब्रेक आ रहे हैं ना, ये चक्कर हो रहा है, स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही। बाकी व्यू बहुत पहाड़ जो है यहाँ से अब भी दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी दूर हो गया। काश दिल्ली में ये पहाड़ होते है ना, इतना सही रहता, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। पहाड़ों की बात अलग होती है कुछ वैसे, जो बात है रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है यार यहाँ का, बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिख भी नहीं रहा है धूल मिट्टी में। तो हम यहाँ को कहते सारा लंच किया था नजीबाबाद के आगे, एंड हम दूसरे रूट से आ रहे हैं एक्चुअली, अमरोहा वाला रूट है, एंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा था रोड ख़राब है, तो थक गए थे सुबह से, कुछ खाया नहीं था, तो हम यहाँ के लंच किया था, एंड देन फिर हम निकल गए आगे के लिए। जहाँ हम बेसिकली बुगरासी वापस गए दादी के यहाँ, देन कल मैं वहाँ से जाऊँगा दिल्ली वापस। See this place, wow, it's so beautiful. तो फाइनली हम बुगरासी पहुंच गए हैं। बीच का रास्ता जो था वो गाँव वाँवों में से निकल रहा था, इसलिए मैंने कुछ ऐसा पर्टिकुलर शूट नहीं किया। चलिए घर पहुँच गए हम, बुगरासी आ गए हैं घर पे।